ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या ओके सो गाइस, बाल को थोड़ा सा इग्नोर करो। ये देखो हम आजकल पता नहीं क्यों सुबह सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं। नाश्ता वगैरह भी हो गया है, अभी जाना है, एक डिलीवरी करने जाना है हमको, तो डिलीवरी करेंगे, देन उसके बाद घर आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर आज पूरे दिन देना है हमको शॉप पे, क्योंकि डैडी गए हैं बाहर तो पे हमको रहना पड़ेगा, तो पूरा दिन आज शॉप पे रहना। तो अभी जाएंगे पहले डिलीवरी करते हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर बताते हैं आपको। गाइस अभी माल डिलीवर करके आ गए हैं, अभी चलते हैं फटाक से जाके नहाते हैं, देन उसके बाद फ़ोन जब तक चार्जिंग पे लगाते हैं, आईपैड भी चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि आईपैड भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा दिन वहीं पर है, तो एडिटिंग वगैरह तो कर रहा था कि ये नहीं तो आज ही करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो लेके जाते हैं एंड अपना एडिटिंग भी वहीं पर कर लेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टूडे, क्योंकि आज मेरा 75 हार्ट्स का लास्ट डे है, आज मेरा 75 डे का 75th डे चल रहा है। सो यस, मतलब फाइनली हमने वो चैलेंज पूरा कर लिया। एक बार चैलेंज टूटा है मेरा, वो मतलब इसमें नहीं, वो अभी मैंने अभी कुछ ये कुछ पाँच छः महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब बारिश का मौसम स्टार्ट नहीं होता, गर्मी का मौसम चल रहा था, तब की बात है। 5 दिन चला था चैलेंज और 5वें दिन के बाद 6वें दिन टूट गया था मेरा चैलेंज, तो वही चीज़ है। तो इस वाले में मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो इस वाले में नहीं डालूंगा, कल वाले में डालूंगा मैं ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो, ताकि आपको प्रॉपर 75 का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन मिले। हाँ ओके सो गाइस, नहा धो के आ चुके हैं, अभी बस सीधा इधर शॉप के लिए निकल रहे हैं, एंड थोड़ा कुछ खा के जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने तक लंच टाइम हो जाएगा, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद आधा आधा घंटे रुकने के बाद फिर लंच कर लूँगा, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में भूख लगी, तो कुछ खा लूँगा, उसके बाद मैं फिर निकलता हूँ। तो चलो फिर रास्ते में। ओके सो गाइस, अभी हम अपने शॉप पे पहुँच गए, काफ़ी टाइम हो गया पहुँच के, लंच वगैरह भी कर लिया यहाँ पे, बट यहाँ पे एक सीन है थोड़ा सा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धूप सीधा पड़ती है वहाँ से धड़ाम यहाँ तक, अरे ज़मीन भी इतनी गर्म हो जाती है ना, पैर जलते हैं यहाँ पे, तो वही चीज़ है। तो लंच वगैरह हो गया, थोड़ा सा एक काम है, ऑर्डर है, उसको पूरा करते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना एडिटिंग। ऑर्डर तो मेरे आदमी लोग पूरा कर लेंगे, मेरे जो वर्कर से वो पूरा कर लेंगे, अगर उनको कोई हेल्प लगेगी तो हेल्प कर दूंगा मैं, तो जब तक तो अपना वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, तो चलो चलते हैं। ओके सो गाइस, लंच वगैरह सब कुछ हो गया था एंड काम खत्म करके छोटा सा पावर नैप ले लिया था, हालांकि नींद नहीं आई वो बात अलग है, बट लेट गए थे हम, क्योंकि यहाँ पे सोने के लिए तो कुछ है नहीं, और भपका मार रहा था वो अलग, एंड आप देख सकते हो कि मेरा अवतार भी चेंज हो चुका है, पहले शर्ट पहना था, अभी इसमें आ गया हूँ आज, ये चीज़ है कि डैडी का एक मतलब डैडी का एक्स्ट्रा रखते कैरी करते हैं अपने साथ, कभी क्या काम आ जाए कुछ पता नहीं, तो वही चीज़ है, तो वही पहन लिया, तो इससे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि वो शर्ट तो इतना गर्म कर रहा था ना, कोई भी कपड़े पहनो तो गर्म ही कर रहा है वो, कोई पतला पहनो जाड़ा पहनो क्या भी पहनो तो वो गर्म कर ही रहा है, तो वही चीज़ है। तो अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं, देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या काम है, अगर ज़्यादा कुछ काम रहेगा तो अपन रह जाएंगे यहाँ पे, नहीं हुआ काम तो वी विल लीव और हम घर चले जाएंगे, ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा तो घर के लिए निकलेंगे। तो गाइज अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, ये आ रही इधर, एक लौंडा कुरकुरे खा रहा था, उसको खुद की तो हेल्थ की पड़ी नहीं, तो अंदर मस्ती नहीं है बाहर आए कैमरा चालू। एक चीज़ है कि अभी एक बंदा कुरकुरे खा रहा था, उसने मेरे को ऑफर किया, मैंने बोला कि आज के दिन नहीं, आज एक लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, कल से खाएंगे, तो ये मेरे को पूछ रहा है, अभी अंदर गया मैं दिखाऊंगा उसको, अब मैं ऐसा गर्दन पकड़ के बाहर लाऊंगा, तो टेंशन नहीं, तो मेरे को पूछ रहा है कि ऐसे ये सब पालता है क्या तू, मैंने बोला हाँ मैं करता हूँ थोड़ा सा, अगर लिया है चैलेंज तो जेन्युइनली फॉलो करना ही चाहिए ना वो चीज़, तो बोलता है पालता है क्या सारी चीज़ें, मैंने बोला कि हाँ मैंने किया है। हाँ शर्मा रहा है, भाभी हमारी शर्मा रही है, भाभी अगर यहाँ पे धकल बकल दिया ना मेरे को तो समझ जाना फिर तुम, भाभी शर्मा रही है। ए भाभी को वो दिया शगुन दिया दो, तो भाभी को शगुन दो भाभी को नहीं रहा क्या पार्टी, वो तो तू कल के ब्लॉग में देख लेना आ रहा है कि नहीं, कल के ब्लॉग में देख लेना आ रहा है कि नहीं, तो देख लो इसकी शक्ल ये है, बहुत लोग बोले बहुत लोग गिरे, जो खुद कीड़ा है और बाकी इनको भी कीड़ा बना रही है।
गाइस जस्ट एलिस पहुंचा हूं एंड घर जा रहा हूं, भूख लग रही है, पहले तो घर जाके खाएंगे एंड उसके बाद कुछ शूट करेंगे। तो पहले घर चलते हैं, खाते पीते हैं, एनर्जी थोड़ा सा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलो ओके सो गाइस, अभी हम जस्ट आए हैं मुलुंड के सर्वे लेने। हम ऐसा करते हैं जनरली, जब निकलते हैं ना, ऐसा हफ्ता लेते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, सारे दुकानों का, ये सब दुकान हमारी है। वी आर वेरी रिच, यू नो, ऐसे मांगी जोशी, वी आर वेरी रिच, राइट? वी आर वेरी रिच, चीप पीपल कांट अफोर्ड अस, डोंट थिंक आल्सो रुशाली जोशी इज सेइंग डोंट थिंक टू Our order is here. ये खाएंगे, पोट भरेंगे पोट, और ये पियेंगे। Cheers! ये हमारी पार्टी हो रही है, ये हम गाइस, ये हम हैं, और ये हमारी पारी हो रही है। पारी हो रही है, क्या हो रही है? पारी, क्या हो रही है? पारी, हमारी पाव खा रहे हैं हम। तो हम मिलते हैं थोड़े टाइम बाद आपसे, घर जाके, एंड जो भी आगे का सिनेरियो रहेगा। ठंडी लग रही है मुझे तो साला, बंद करो। Yes, तो जो भी आगे का सिनेरियो रहेगा। By the way, guys, today is my last day of 75 hearts. So you are having a cheat day. Woo! Cheat day. Oh, no cheat day. We will eat from tomorrow onwards. Yes, guys. तो वही चीज है, अभी हम घर जाएंगे, घर जाके अपना जो भी है एक्स वाई जेड जो भी चीज पूरी करेंगे। मैं अभी तो व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वृषाली जोशी मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है अभी। तो मैं घर ही जाके व्लॉग बनाऊंगा, मिलते हैं घर पे। ओके सो गाइस, आप देख सकते हो मैं कहाँ बैठा हूँ। ये देखो इतना सा ये सीट है, दिस इज सीट, एक 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 बित्ते पे, देखो आप देख रहे हो, और ये इनको इनको जगह नहीं हो रही इनको। क्या हो गया आपको, मैदान चाहिए? अरे कंफर्टनेस, मैं किधर बैठा हूँ? ये देखो गाइस, ये गियर है और मेरा पैर इस पे गियर पे जा रहा है पूरा। आप देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है मैं कितना नजदीक बैठा हूँ? पीछे ले ले, थोड़ा सा पीछे ले। मेरे को बम्पर भी दिख रहा है यहाँ से। तू या फिर पीछे बैठेगा, थोड़ा पीछे ले लेना गाड़ी 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 गाड़ी, गाड़ी पीछे ले ले। मेरी सीट आ गई है, बट मैं सीट पीछे ले ले। मैं क्या कर रहा हूँ? पका रहे हैं। वाओ, एमएस धोनी का। अब आप पीछे पीछे हो आप थोड़ा सा। ये देख, एमएस धोनी का साइन, माही का साइन। अरे मैं पीछे किसे हूँ? हाँ ठीक है, अभी छोड़ दे। हाँ अब ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हुआ ना डिस्टेंस यहाँ पे, फिर भी बहुत आगे हूँ मैं फिलहाल इसके हिसाब से। थोड़ा सा पानी खोल के देते, आप भी वीडियो पकड़ो। पानी तो नहीं खाएगा सॉरी, मुझे थोड़ा सा खाना है, मेरे अम्मा को मुझे भी थोड़ा सा पीना है। वो तो नहीं खाएगा ना, सोडा खोल, ऐसा लग रहा है। अरे मैं मारना ही नहीं चलेगा साला, ऐसे ऐसे मार के फट फट। दिख रहा है ये लोग खाते हुए, पानी का टेस्ट बहुत मस्त लगता है मेरे को, और ज्यादा खाते हुए। माही भाई का सिग्नेचर है हमारे पास। यो माही भाई, इस बार माही भाई खेलते तो वर्ल्ड कप हमारा होता था पक्का, बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और मैंने सुना कि ये वर्ल्ड कप फिर से हो रहा है। हाँ हाँ, 10 ओवर का। नहीं, ऐसे उड़ते उड़ते आई है मेरे पास खबर, ऐसा कुछ नहीं होता वर्ल्ड कप। ऐसा बोलते कि रोहित शर्मा नॉट आउट था, रोहित शर्मा, केएल राहुल वगैरह नॉट आउट थे सारे। केएल राहुल मुझे लगता है नॉट आउट था, क्योंकि बैट पे नहीं लगा था। और हाँ, जो रोहित शर्मा का कैच था वो जमीन पे टच था, ऐसा सुना है मैंने, बाकी गॉड नोस क्या है क्या नहीं। पापा जैसे थोड़े अभी हो गए, अभी दे दिया ट्रॉफी, फिर वापस लेगा क्या पता, भगवान जाने क्या है। रोहित गिरेगा ना, उसने पैर के नीचे रखा, उधर जाके उसको बराबर करेंगे, वो तो भगवान जाने। इसने कैसे गुस्साया था वो मुझे नहीं समझ। तुम लोगों नहीं खाने का, नहीं जाएगा उसके अंदर पर जा रहा है। ओए वाह वाह वाह, ये भी होता है क्या इसके अंदर? क्या बात है,
क्या बात है, क्या बात है, कॉफी होल्डर। वाओ गाइस, मुझे भी गाड़ी चाहिए। दिलाओ। ओके सो गाइस, हम घर पे आके हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया। घर पे आज बना था खाना, आज पूजा थी, आज कुछ तुलसी विवाह था आज, तो आज घर पे बना था खाना। अच्छा मतलब रोज़ ही अच्छा बनता है, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बना था, तो मैंने खाया एक दफा के। खाना वाना खा लिया है, अभी खाली बुक रीडिंग और सेकेंड वर्कआउट वगैरह जो बचा है, तो बुक रीडिंग और सेकेंड वर्कआउट करते हैं एंड फिर करते हैं वीडियो को एंड। एंड बाकी का जो भी बात रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना रहेगा, वो हम कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि कल पूरा मतलब आज पूरा टाइम पूरा दिन काम किया है शॉप पे, तो उसी चीज़ से। तो अभी सीधा वर्कआउट करते हैं एंड सो जाते हैं। चलो चलते हैं। मेरा वर्कआउट एंड मेरा बुक रीडिंग दोनों ख़त्म हो गया है एंड यहाँ होता है हमारा डे एंड एंड हमारा चैलेंज पूरा। तो 75 डेज आज मेरा पूरा होता है, कल से नो 75 डेज, कल से हमारा नॉर्मल ब्लॉगिंग वगैरह चलेगा एंड नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे कल से, जो दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे और क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और जो 75 का था वो तो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। 75 डेज टोटल पूरे हो गए हैं, जो 75 हार्ट चैलेंज दिया था वो पूरा हो गया है मेरा आज। तो कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ ये मैं कल आपको मॉर्निंग में ही दिखा दूँगा। अभी क्या ये दिखाऊँगा, अभी बॉडी पंप हो गई है, तो पंप जब बॉडी पंप हो जाता है तो ज़्यादा ही दिखता है बॉडी। तो कल मैं सुबह मॉर्निंग में या तो इवनिंग वगैरह में आपको दिखा दूँगा, जब बॉडी नॉर्मल रहती ना तब पता चलेगा प्रॉपर पंप या प्रॉपर चेंज क्या है। तो वही चीज़ें तो, और मेरा जो हाँ एक ही चीज़, मेरा जो मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया था वो मेरे ट्रिमर भी आ चुका है, तो इसको भी कल दिखाएंगे आपको। इसका अनबॉक्सिंग वगैरह तो कर दे रहे, पेपर ऊपर फाड़ के एरा पेपर पड़ा है यहाँ पे, इसका ही पेपर है। तो अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया था, मैं दुबई में शॉप से आके इतना थक गया था ना, क्योंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा हो गया था ना, और ट्रैवलिंग भी कैसा हो गया था आज कि मैं था विद्या विहार पे, और विद्या विहार पे कोई ट्रेन आ ही नहीं रही थी। तो एक थाना की ट्रेन थी, मैं रहता हूँ मुलुंड में, तो मुलुंड से एक स्टेशन बाद थाना, तो मैं सोच रहा था कि थाना पकड़ने के लिए, तो थाना काफ़ी लंबी थी एंड कुरला से आती है, तो कुरला से एकदम भर के आती है, तो मैं सोच रहा था कि साला काम करता हूँ मैं, कुरला से ही पकड़ता हूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने एमई टिकट चेक नहीं किया एंड मैं यहाँ था, मैं विद्या विहार से निकला कुरला की तरफ एंड वो ट्रेन साइंस से निकली कुरला की तरफ, और जब तक मैं पहुँचा तब तक तो ट्रेन लग चुकी थी वहाँ पे कुरला पे ही, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और मैं उतरा जुप से भाई, मतलब 10 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँच गया मैं, 10 सेकंड भी ज़्यादा ही रहेगा ऐसा, जूम से उतरा, ट्रेन हिली भी नहीं उतरी मैं पहुँच गया था। ट्रेन में चढ़ने के बाद 10-12-15 सेकंड बाद ट्रेन चली, इतना फास्ट पहुँच गया था मैं। तो वही थोड़ा सा गाड़ी वहाँ पे भी हो गया एंड चलना वलना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थक गए, इसकी वजह से कुछ दिखा नहीं पाए। एक ही टाइम पे 80 प्लस पुशअप्स मारे एक ही टाइम पे, और ये आपको नहीं पता चल रहा, ये चीज़ मैंने शूट नहीं की है, ये चीज़ जो वहाँ पे थे मेरे साथ थे, जिनके सामने में मारा है उनको पता है, क्योंकि गिंडरा भी मैं नहीं था, गिंडरे भी वो सामने वाले बंदे ही थे। एक ही बार में मतलब एक बार पुशअप्स करना है बेटा, एक ही बार में 80 प्लस पुशअप मारे मैंने, 84 या 85 पुशअप मारे मैंने एक ही बार में। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।